मेरी निधि से दूसरी शादी हुई है। ये बात बिल्कुल सच है गाइस, कोई झूठ नहीं है इसमें, कोई क्लिक बेट नहीं है गाइस। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। निधि जी आज बनाएंगे घर पे गोलगप्पे। आप लोग एक्साइटेड हो गए रेसिपी देखने के लिए, लेकिन यार रेसिपी बहुत इजी है, बिकॉज हम लोग रेडीमेड बनाने वाले हैं। तो ये एक डब्बा आता है रेडीमेड गोलगप्पे का, जो कि 50-60 रुपए का है। ये इसमें से गोलगप्पे निकलते हैं, 50-60 पीस होंगे, 50 पीस है ना। और अलग अलग पानी है इसमें। एक तो ये पानी निकला है पुदीना पानी पाउडर, खजूर इमली चटनी और खट्टा मीठा इमली पानी पाउडर। और हमने आलू जो है यहाँ पे स्मैश करके रख लिए हैं, चने भी रख लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन गोल गप्पों को जो है फ्राई करेंगे। पानी बना रहे हैं, नॉर्मल पानी ले लेना है आपने, और उसमें से ठंडा लिया है। चलो मिक्स हो जाएगा ठंडे पानी में। तो लो जी अपना बन रहा है ये पानी। वैसे निधि को ना दूसरा गोलगप्पे वाला पानी भी बनाना आता है, वो किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रेसिपी। तो गाइस ये तीन तरह का पानी हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और जो बाकी बच गया है हमारा थोड़ा बहुत पाउडर, ये नेक्स्ट टाइम हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि हमने सारे गोलगप्पे नहीं बनाए ना, 20-25 पीस ही बनाएंगे गाइस हम लोग। तेल गर्म नहीं किया, थोड़े थोड़े करके डालने थे। गोलगप्पे तो बड़े बड़े बने भाई, आटे वाले बनाना घर पे कई बार, ठीक है। मेहनत कम ही है वैसे देखा जाए तो, कुछ भी नहीं है। ओके मम्मू। तो गाइस हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, पानी हमारे आ गए हैं, गोलगप्पे हमारे बन गए हैं, आलू हमारे तैयार हैं। चलो भी सबसे पहले गोलगप्पे मेरे को खिलाओ। हाँ, 10 का 1 मिलेगा, 10 का 1 है पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैसे मैं कमाऊंगा ना, 10 का 1। आ जाओ खा लो गाइस, 10 के 2 आपके लिए, 10 के 2 बताना, ठीक है कैसा लगा। पहले तू खा के देखना, मिक्स बना। चल लो भी गाइस टेस्ट करके देखते कैसे है। पानी जो अच्छा है, पास है यार। तो अभी मैं निकला हूँ खन्ने के लिए, बिकॉज मनीषा को लेने जा रहा हूँ, थोड़ा काम है तो वो कुछ दिन के लिए आ रही है, आन जान करूंगा बस, लेके आ जाऊंगा उसको। चलिए दिशान चलिए, की चीज जाना तो। मम्मा नु बुला दो, मम्मा नु बुला दो। मम्मा कितने है? नहीं जाना कहता मम्मी, जो उधरों आना होंगे ना इन्हें, फिर तो मनीषा को पिक कर लिया है, अब चलते सीधा घर। तो गाइस अभी घर पहुंचे थे, मनीषा को लेके आ गए हैं, और यार मेरे को पता नहीं क्यों थकान जी फील हो रही थी, फिर मैं नहा लिया। मनीषा आई है गाइस 1 महीने के लिए, बिकॉज उसने कुछ सीखना है, लुधियाना से सीखना है, तो रोज अप डाउन करना बहुत मुश्किल था, तो 1 महीने की क्लासेस है उसकी, तो यहीं से सीख लेगी फिर। ये देखो इसके आते ही गुब्बारे वाला लग जाता है और ये सारा सामान हट जाता है गाइस। मालिक पैर पकड़ता हूँ, मालिक आपके बंद कर दो इसको, बंद कर दो मालिक, पैर पकड़ता हूँ प्लीज। ओ मालिक क्या लोगे मालिक इसका, अभी इसका बंदर मामा चलेगा, नानी तेरी मोरनी, ठीक है। और क्या चलता है इसका, मैं तोता देखना गाइस कितना क्यूट लग रहा है, इतनी जल्दी बड़ा हो गया गाइस, पता ही नहीं लगा यार बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। तो गाइस ये वाले चावल ना मेरे फेवरेट है, चावल में दही डाल के और चीनी डाल के भाई बड़े मस्त लगते हैं मेरे को। आप में से कोई खाता है तो कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे मैं खाता हूँ, मेरे फेवरेट है यार। तो आज दिशान से हम लोग पोचा मरवा रहे हैं, पोचा लगा रहे हो दिशान हैं? पकड़ा जा, मामी को दे दो। आजा 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 आजा, ये काम नहीं करने देगा गाइस, कह रहा है मैं खुद करूंगा, अच्छे से करना ठीक है दिशान। ओ चुख्या यार ही रहा, गिरना नहीं भरा गंदा, अपनी कर दो प्यार कर,
ਪਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੂਗਾ ਦੇਖੀ ਕੱਢ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੁਣ ਪਾਰੀ ਕਰੋ ਮਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰੀ ਕਰੋ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਾ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਨਿਧੀ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਤ ਥੀ ਜੋ ਆਜ ਤੱਕ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਥੀ ਤੋ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਯਾਰ ਆਜ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾ ਹੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਥੀ ਤੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੋ ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਧੀ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ये बात बिल्कुल सच है गाइस कोई झूठ नहीं है इसमें कोई क्लिक बेट नहीं है गाइस ये बात 101% सच है मेरी निधि से दूसरी शादी हुई है चाहे मम्मी से पूछ लो मम्मी दसो ले हाँ भी है नहीं अब एग्जैक्ट बताता हूँ कि मेरी दूसरी शादी कैसे है दूसरी शादी इस तरह से है हम लोग भी जो है खत्री पंजाबी हैं तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और निधि उन्हें भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारे में जो कुंडली वगैरह है वो देखते हैं तो जब निधि उन्होंने हमारी कुंडलियां मिलाई थी अपने पंडित जी को दिखाया था तो हमारे गुण बिल्कुल भी नहीं मिलते थे 16.5 गुण मिलते थे हमारे तो हमारे घर वाले शादी करने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि मेरी कुंडली आती थी राक्षसों में और इसकी कुंडली आती थी देवी देवताओं में है ना ऐसी है ना कोई झूठ नहीं बोल रहे गई सच देवी ने तू राक्षस तो मतलब ना घर वाले शादी कराने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि हमारे गुण बिल्कुल नहीं मिल रहे थे उसके बाद मेरी कुंडली में थोड़ी दिक्कत परेशानियां थी फिर पंडित जी ने उपाय बताया था कि जतिन की जो पहली शादी करनी पड़ेगी वो तुलसी जी से करनी पड़ेगी तुलसी के पौधे से करनी पड़ेगी तो सबसे पहली शादी मेरी तुलसी के पौधे से हुई है तुझे कहना तुलसी जी से मैंने कहना केड़ी तुलसी है कहां के रहने वाले नहीं मतलब मेरी पहली शादी तुलसी के पौधे से हुई थी उसके बाद निधि जी से मेरी शादी हुई थी वो पता नहीं अब देखो मैं विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन घर वालों की माननी पड़ती है यार ठीक है उस वक्त तो ये था कि शादी हो जाए जैसे जैसे हो जाए तो सारी बातें मान ली थी तब घर वाले बोल रहे थे हवन करना है कर लो शादी तुलसी से करनी है कर लो सब किया सर बहुत लोग पूछते हैं कि आपका मतलब कुंडली मिलती है वैसे हमारी नहीं बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब आप लोगों की कुंडली वैसे मैच करती है तो हमारी मतलब मैच जैसे बोलते हैं कि 17 गुण होने जरूरी होते हैं जो मिलने चाहिए बट हमारे 16.5 गुण ही मिलते हैं मतलब आधा गुण फिर भी कम है हमारे जो 16.5 है ना गाइस वो भी मेरे यार जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना यार जिन्हें निभानी होंगे निभा लेंगे निभनी आते निभ्याते नहीं तो नहीं सीधी गल नहीं तो जिन्हें 36 गुण मिलते उन्होंने भी तलाक हो जाते हैं शादी करानी है तो ये सब करना पड़ेगा मेरी निधि से दूसरी शादी हुई है ये बात बिल्कुल सच है गाइस कोई झूठ नहीं है इसमें कोई क्लिक बेट नहीं है गाइस पंडित जी की बात माननी पड़ेगी ये तो हमने कहा ठीक है यार फिर हमें क्या दिक्कत है उस टाइम ठीक है हाँ हमें हाँ मिला रहे थे ओके है जो करना और हमें भी बहुत परेशानी आई थी शादी के वक्त ऐसा नहीं है कि पता क्या है देखने में ऐसा लगता है बहुत स्मूथली शादी होगी पर ऐसा नहीं होता है गाइस अरे लोग ला ला के स्क्रीन बंद करती है इधर आ जा मेरा बच्चा इधर आ ओ देखो हेलो कब हो उधर ये देखो गाइस इन बच्चों को खेलते हुए देख रहा है दिशान के लिए ना अभी एक ये बैट और बॉल लिया है तो वो हल्का सा है पर है उसकी उम्र के हिसाब से ये सही है गाइस दिशान बैट पुत डरदा क्यों पया वा बॉल इसने भी साथ में होगी है 20 रुपए वो है प्लास्टिक की है हाय नहीं अभी ये बिजी हो गया है गाइस तो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं होप आप सभी को पसंद आया हो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय